हेलो एवरीवन, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आज जो नॉवेल हम कवर करने जा रहे हैं, दैट इज द मिरर ऑफ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ आईआईटी एंड सिमिलर सो कॉल्ड हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूशंस। किस तरीके की टेंशंस उनके पास रहती हैं, हमेशा क्या प्रेशर रहता है पढ़ाई का, क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं, और अपनी फैमिली की तरफ से क्या क्या प्रेशर्स आते हैं। दैट हैज ब्यूटिफुली बीन रिटन बाय चेतन भगत इन 5.1। तो देखते हैं इस नॉवेल में आखिर ऐसा क्या है दैट इट बिकेम सो पॉपुलर एंड द बेस्ट सेलर, एंड द मूवी थ्री इडियट्स इज ऑल्सो मेड ऑन दिस नॉवेल। तो काफी अच्छा नॉवेल है, समझते हैं इस नॉवेल को। आई सजेस्ट कि आप में से जो भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है मेरे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यू विल गेट ह्यूज हेल्प हियर अबाउट योर प्रिपरेशन एंड सिलेबस एंड अदर टिप्स एंड ट्रिक्स। द नॉवल दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे 5.1 इज अबाउट द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स एट आईआईटी, द वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। रिटन बाय ऑथर चेतन भगत एंड 2004 नॉवल एंड हिज फर्स्ट नॉवल। बहुत सी कॉपीज बिकी थी, ओवर 1 मिलियन कॉपीज वर सोल्ड वर्ल्ड वाइड, और इट वॉज अडेप्टेड इन टू अ प्ले ऑल्सो बाय द थिएटर कंपनी एवाम रूपा एंड को। तो ये भी आपको याद रखना है, छोटी छोटी चीजें आपको आ सकती हैं, ईयर आ सकता है, राइटर तो बहुत छोटी सी बात है, राइटर तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। कौन सी थिएटर कंपनी ने इसको प्ले में अडेप्ट किया था, दैट कैन बी अ क्वेश्चन। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो तीन फ्रेंड्स हैं, हरी, आलोक एंड रायन, जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं एट एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और स्टोरी में पूरा कंपटीशन और रिगरस एनवायरनमेंट दिखाया गया है कि किस तरीके की लाइफ स्टूडेंट्स की रहती है, क्या क्या टेंशन उनको रहती हैं डूइंग स्टडी फ्रॉम सच अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। कैरेक्टर सेटिंग और प्लॉट को शॉर्ट में अंडरस्टैंड करते हैं। पहले तो नॉवेल सेंटर्स ऑन हरी, आलोक एंड रायन, ये आपको याद रखना है, स्ट्रगलिंग विद द प्रेशर्स ऑफ एकेडमिक लाइफ एट आईआईटी। हर कैरेक्टर की एक डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी है और उनकी डिफरेंट अप्रोच हैं अपने अपने चैलेंजेस को लेकर। फ्रेंड्स अपने आप को पाते हैं फॉलिंग बिहाइंड इन द स्टडीज ड्यू टू देयर नॉन नॉन कन्फॉर्मिस्ट एटीट्यूड्स एंड पर्सनल इश्यूज। अब ये जरूरी नहीं है कि हर कोई जिसने आईआईटी में एडमिशन ले लिया है वहां जाने के बाद बिल्कुल उतना ही इंटेलिजेंट बना रहे जितने कि वो पहले थे। आईआईटी में जाने के बाद एनवायरनमेंट चेंज होता है, चैलेंजेस अलग हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपको कन्फर्म करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है अगेंस्ट योर ओन आइडियल्स। तो किस तरीके के चैलेंजेस इन तीनों दोस्तों के सामने आते हैं, दे ग्रैपल विद द डिमांड्स ऑफ देयर कोर्स वर्क, देयर रिलेशनशिप्स, और साथ ही साथ फ्यूचर एस्पायरेशंस तो चलती ही चलती हैं। तो अपने इन कैरेक्टर्स को समझते हैं, हरी, रायन, आलोक। हरी इज द प्रोटैगनिस्ट जो कि एकेडमिकली और इमोशनली स्ट्रगल करते हैं। रायन हरी के बेस्ट फ्रेंड, नोन फॉर हिज रिबेलियस एंड अनकन्वेंशनल एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन। ये सारा टेस्ट सिस्टम, मार्किंग सिस्टम उनकी समझ से बाहर है। एंड आलोक, अनदर क्लोज फ्रेंड ऑफ हरी, हु कम्स फ्रॉम अ वेरी मॉडेस्ट बैकग्राउंड और उसके पास फाइनेंशियल डिफिकल्टीज भी काफी हैं। नोवेल में स्टोरी है तीन आईआईटी ग्रेजुएट्स की और उनकी लाइफ की इंडिया के प्रीमियर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में। उनकी फ्रेंडशिप, उनकी स्टडी, उनका एंजॉयमेंट, उनका करियर, उनका एम्बिशन, उनका पेरेंटल प्रेशर, पीयर प्रेशर, उनकी लव लाइफ, उनकी फिजिकल रिलेशनशिप लाइफ, ये सब कुछ है। द नॉवल इज द इंस्पिरेशन ऑफ द मूवीज थ्री इडियट्स, जो कि लगभग हम में से सबने देखी है, एंड द साउथ इंडियन मूवी ननबान। मूवी के कैरेक्टर्स के थ्रू अपने नॉवल के कैरेक्टर्स को समझ लेंगे तो आप इमेजिन अच्छे से बड़े आराम से कर पाएंगे। तो देखते हैं, रायन ऑबेरॉय जो हमारी नॉवेल के कैरेक्टर हैं, दैट इज रणछोड़ दास, श्यामल दास चांचड़ और रेंचो और फुनसुक वांगड़ू, प्लेड बाय आमिर खान। हरी कुमार इज फरहान कुरैशी इन द मूवी, प्लेड बाय माधवन। आलोक गुप्ता इज राजू रस्तोगी, प्लेड बाय शर्मन जोशी। प्रोफेसर शेरियन इज वीरू सहस्रबुद्धि और वायरस, जो कि स्टूडेंट्स उन्हें बुलाते थे, प्लेड बाय बमन ईरानी। नेहा नेहा इज पिया सहस्रबुद्धि, प्लेड बाय करीना कपूर इन हिंदी। एंड वेंकट इज चतुर रामलिंगम, प्लेड बाय ओमी वैद्य इन हिंदी।
आपको एमसीक्यू आ सकता है कि बुक को प्राइमरीली किसने नैरेट किया है, तो हरी। और मूवी में भी ऐसा ही था, माधवन नाम के कैरेक्टर ने नैरेट किया था। और ओकेजनल कुछ पासेजेस हैं रायन और आलोक से भी, बट मेजरली बाय हरी। एज वेल एज एक लेटर की भी हेल्प ली जाती है, लेटर फ्रॉम हरीज गर्लफ्रेंड नेहा। नॉवेल में हरी की गर्लफ्रेंड दिखाया गया नेहा, यानी कि करीना कपूर नाम के कैरेक्टर को, बट मूवी में आमिर खान की गर्लफ्रेंड दिखाया गया था। द एक्साइटमेंट द थ्री फ्रेंड्स फील अबाउट गेनिंग एडमिशन टू वन ऑफ इंडिया टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस क्विकली वेंस। तो एक्साइटमेंट जो शुरू में होती है ना, वो धीरे 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 फीकी पड़ जाती है बिकॉज ऑफ द डिमांडिंग एंड रेपिटेटिव नेचर ऑफ देयर कोर्स वर्क। बड़ी मोनोटोनी आ जाती है। नैरेटिव फोकसेस ऑन टू मेन प्लॉट लाइन्स, द ट्रायो, ये तीनों लोग, उनके अटेम्प्ट्स टू नेविगेट एंड चैलेंज द एकेडमिक सिस्टम, और हरी की रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट विद नेहा। नेहा हु हैपेंस टू बी द डॉटर ऑफ प्रोफेसर चेरियन, चेरियन जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड थे और बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, जस्ट लाइक वायरस। तो अब देखते हैं समरी। स्टोरी बिगिंस विद इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री फ्रेंड्स हु आर कंसिडर्ड टू बी अंडर अचीवर्स एट IIT। 5 points out of 10 के आसपास उनका स्कोर रहता है, यही हमारे नॉवेल का टाइटल है। फर्स्ट सेमेस्टर में ये स्कोर रहता है, विच इज नॉट कंसिडर्ड टू बी इवन एवरेज। द बुक टेक्स द रीडर्स ऑन अ जर्नी ऑफ देयर लाइफ्स एट IIT, वेयर दे एनकाउंटर अ नंबर ऑफ चैलेंजेस एंड एक्सपीरियंस दैट शेप्स देयर पर्सनैलिटी। तो क्या क्या उनको वहाँ पर अनुभव होते हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, किस तरीके से बाय द एंड उनकी पर्सनैलिटी शेप अप होती है, दैट वी विल कम टू नो। बाय द एंड हम लोग MCQs भी करने वाले हैं, तो एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए। रायन सबसे ज्यादा रिबेलियस है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सबसे ज्यादा रिबेलियस है, एंड ही इज ऑफन यू नो आफ्टर ब्रेकिंग द रूल्स एंड चैलेंजिंग द अथॉरिटी और द प्रोफेसर्स। ही हैज अ पैशन फॉर मशीन डिजाइंस एंड वर्क्स ऑन अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड अ कार दैट कैन रन ऑन ऑल्टरनेट फ्यूल। आज भी इस तरीके की कार की बहुत ज़रूरत है, जिस पर कोई ऑल्टरनेट फ्यूल हो, कोई सस्ता फ्यूल हो इंस्टेड ऑफ पेट्रोल। बट आजकल काफ़ी ऑप्शंस आ चुके हैं, लेकिन जब ये नॉवल 2004 में आया था, तब तक ऐसे ऑप्शंस कम थे। आलोक इज मोर सीरियस एंड हार्ड वर्किंग अमंग द थ्री एंड इज ऑलवेज ऑलवेज अंडर प्रेशर टू मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ हिज पेरेंट्स। मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करके दिखाना है। हरी हमारे नैरेटर हैं, एंड ही इज कॉट बिटवीन द कन्फ्लिक्टिंग पर्सनैलिटीज ऑफ रायन एंड आलोक, और उनको खुद का अफेयर भी है एक। ये सब चीजें हरी के साथ होती हैं। द स्टोरी बिगिंस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, जहाँ पर प्रोफेसर्स इंट्रोड्यूस करें कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन इज एनी थिंग दैट प्रोड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट। सिंपल डेफिनेशन ऑफ मशीन। रायन इस डेफिनेशन को चैलेंज करते हैं एक इंट्रीगिंग क्वेश्चन के साथ कि इफ मशीन्स रिड्यूस एफर्ट, व्हाट अबाउट जिम, जिम इक्विपमेंट्स, जिम के इक्विपमेंट एफर्ट्स को इंक्रीज करते हैं। एंड हिज क्वेश्चन लीव्स द प्रोफेसर स्पीचलेस इन फ्रंट ऑफ द एंटायर क्लास, और प्रोफेसर को गुस्सा तो जरूर आया होगा। उसी रात को तीनों दोस्त रायन, आलोक एंड हरी गो टू अ मूवी एंड रिटर्न वेरी लेट, and the next day they perform poorly in Professor Dubey's class. Alok scores the highest among them with 7 marks. Hari only achieves 5. Alok काफी frustrated है, blaming the movie night for their poor performance. Alok को लगता है कि तुम दोस्तों की company ना मुझे बिगाड़ रही है। In contrast, Ryan remains indifferent. Ryan कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, these marks are not going to you know determine our future. He finds cramming बोरिंग, रट्टा लगाना बिल्कुल बोरिंग है, और मुझे स्टडीज में नहीं प्रैक्टिकलिटी में इंटरेस्ट है। दिस इज द व्यू पॉइंट ऑफ दिस कैरेक्टर रायन। आलोक कहते हैं कि नहीं, रट्टा नहीं लगाएंगे तो पास कैसे होंगे, ऐसे ही तो पास हो पाएंगे। वेल रायन सजेस्ट दैट हरी शुड स्टार्ट मॉर्निंग वॉक्स टू एड्रेस हिज वेट गेन। रायन लाइफ जीने के और तरीके बताते हैं कि लाइफ में हमें और कुछ भी करना चाहिए। During one of these walks, Hari नेहा से मिलते हैं, who gives him a lift to college. Hari discover करते हैं कि नेहा is the daughter of Professor Cherian, and when Alok sees them together, he advises Hari को कहते हैं कि थोड़ा सा distance maintain करो, she is the daughter of the dean of the college.
रायन को अपने पेरेंट्स से मनी मिलती है एंड ही बायज अ स्कूटर। मूवी में ऐसा नहीं था, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है मूवी और नॉवेल में। लेटर आलोक के फादर एक बार बहुत बीमार हो जाते हैं, रॉयन अपना स्कूटर यूज़ करते हैं आलोक के पापा को हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए। इस तरीके का एक सीन आपको याद आ रहा होगा, बट द माइनर डिफरेंस इज कि द स्कूटर बिलोंग टू करीना कपूर्स कैरेक्टर। तो डिस्कवरिंग दैट आलोक कम्स फ्रॉम अ पुअर फैमिली, रायन देन अरेंजेज अ टैक्सी फॉर आलोक्स फादर एंड डिस्पाइट दिस आलोक कंटिन्यूज टू परफॉर्म पुअरली इन क्लास। तो रायन इज बाय हार्ट अ वेरी गुड पर्सन, अपने दोस्तों की पूरी पूरी हेल्प करने की कोशिश करते हैं और इतनी टेंशन में पढ़ाई करते हैं कि हमेशा पुअर परफॉर्म करते हैं। वेल रायन रिमेन्स अनकंसर्न अबाउट हिज ग्रेड्स, क्या ही फर्क पड़ता है, एक बार बस IIT क्लियर कर लें, दैट इज द एम ऑफ रायन। Ryan comments that while IIT is a prestigious institution, it hasn't produced anything groundbreaking. कोई बहुत बहुत over smart students तो इसने produce नहीं किया आज तक। Alok counters that IIT has produced many great engineers and Ryan proposes that they study together for 2 to 3 hours daily. 2 से 3 घंटे की group study करने का proposal दिया जाता है। अब हरी जी को नेहा फिर से मिल जाती है एक बुक स्टोर पर, वेयर शी इनवाइट्स हिम टू अ कैजुअल चैट एट एन आइसक्रीम पार्लर। दे नेहा शेयर्स अ ड्राइविंग लाइसेंस दैट वाज रिसेंटली इशूड एंड इट रिवील्स अ फुल नेम, नेहा समीर शेरियन। एंड शी हरसेल्फ दिस टाइम टेल्स हरी दैट समीर हर ब्रदर डाइड इन एन एक्सीडेंट एंड दे प्रोमिस टू मीट अगेन एट द सेम पार्लर। तो छोटी छोटी फैटिक कॉन्वर्सेशन, छोटे छोटे स्मॉल टॉक्स इनके बीच में होने शुरू हो जाते हैं, विच इज अ फोर शेडो ऑफ द अपकमिंग रोमांस। जब एग्जाम्स आने वाले होते हैं तब तीनों दोस्तों को लगता है कि इतनी स्टडी नहीं की कि एग्जाम्स में सक्सेस पाई जाए। द फर्स्ट एग्जाम इज रायन्स फेवरेट प्रैक्टिकल वन। रायन को मैंने बताया कि प्रैक्टिकलिटी में ज्यादा मजा आता था। मीन वाइल नेहा और हरी की रिलेशनशिप बढ़ती चली जाती है। दे मीट एवरी मंथ ऑन द 11th, द डेट नेहाज फैमिली विजिट्स द टेम्पल वे हर ब्रदर डाइड। और नेहा अवॉइड करती है, नेहा को बुरा फील होता है वहाँ पर जाते हुए, शी मिसेस हर ब्रदर टू मच, तो शी अवॉइड्स गोइंग देयर एंड इंस्टेड शी मीट्स हरी ऑन एवरी 11th। जब रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं तो तीनों फ्रेंड्स के स्कोर्स बहुत ही कम, 5.5 के आसपास, सिग्निफिकेंटली बिलो एवरेज। रायन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ही सेज कि पास हो गए ना, सेलिब्रेट करते हैं। वाइल आलोक डिसअपॉइंटेड लैशेस आउट एट हिम कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम हमें बिगाड़ते रहते हो हमेशा। आलोक विजिट्स वेंकट द क्लास टॉपर जिसका रोल चतुर्लिंगम ने निभाया था, तो वेंकट के पास जाते हैं सीकिंग हेल्प, बट वेंकट रिफ्यूजेस। एज अ रिजल्ट आलोक डिस्टेंसेस हिमसेल्फ फ्रॉम रायन एंड हरी एंड इन द फॉलोइंग सेमेस्टर आलोक का स्कोर थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, लेकिन हरी और रायन का स्कोर इवन बिलो 5 हो जाता है। हरी एंड रायन स्टार्ट स्पेंडिंग देयर टाइम ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग इन देयर होटल रूम एंजॉयिंग देयर लाइफ। रायन को एक बार आलोक और वेंकट के बीच की कॉन्वर्सेशन सुनाई देती है जिसमें आलोक वॉज आस्किंग वेंकट टू हेल्प हिज फादर, लेकिन वेंकट ने रिफ्यूज कर दिया। वेंकट हैज शोन टू बी अ सेल्फिश पर्सन। रायन डिसाइड करते हैं टू असिस्ट बाय टेकिंग आलोक फादर टू हॉस्पिटल अगेन। आलोक बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट बिकम्स ग्रेटफुल फॉर हिज फ्रेंड, रिकनसाइल्स विद रायन एंड हरी। And for Neha's December birthday, Ryan and Hari plan a surprise visit to her room to give her gifts. Hari presents her with a flower from her father's garden. उन्हीं के पापा के गार्डन से फ्लावर दिया जाता है। When Neha's father catches them, Ryan cleverly escapes. अब धीरे धीरे आ जाता है फोर्थ सेमेस्टर। हरी बहुत नर्वस हैं अबाउट देयर प्रीवियस एंटीक्स एंड प्रीवियस एंजॉयमेंट एंड इज एडवाइज्ड बाय रायन टू ड्रिंक वोडका फॉर कॉन्फिडेंस। हरी को कहते हैं कि कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वोडका पियो। हाउएवर मिस्टर शेरियन डिटेक्ट्स द वोडका स्मेल और एक्सपेल कर देते हैं हरी को फ्रॉम द एग्जाम एंड गिविंग हिम 0 marks। रायन कॉन्स्पायर करते हैं टू स्टील एग्जाम पेपर फ्रॉम मिस्टर शेरियंस ऑफिस विद नेहाज हेल्प। और नेहा डिस्क्लोज करती हैं इस बार कि उनके ब्रदर की डेथ वॉज नॉट बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट, इट वॉज अ सुसाइड
बिकॉज हरी कुड द ब्रदर कुड नॉट पास द आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम। रैन जो कि सोच रहे थे कि बड़ी स्मार्टली पेपर्स चुरा लेंगे अपने लिए अपने दोस्तों के लिए, लेकिन ही इज कॉट एंड ब्रॉट टू मिस्टर चेरियन जो कि रैन को तो फेल करते ही हैं, साथ में हरी और आलोक को भी फेल कर देते हैं फॉर द सेमेस्टर। आलोक इज वेरी डेविस्टेटेड, उनकी तो पूरे घर परिवार की उम्मीदें उन्हीं के कंधों पर हैं। ही अटेम्प्ट सुसाइड बाय जंपिंग ऑफ द कॉलेज बिल्डिंग, लेकिन सरवाइव कर जाते हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर्स आते हैं। इस तरीके का ही एक सीन मूवी में भी था, बट द रीजन वॉज डिफरेंट। नेहा मीट्स हरी एट द आइसक्रीम पार्लर एंड गिव्स हिम हर ब्रदर सुसाइड नोट टू कीप इट अवे फ्रॉम हर फादर। फादर नहीं जानते थे आज तक कि ब्रदर ने सुसाइड किया। मिस्टर चेरियन रीड्स द नोट एंड इज हार्ट ब्रेकन। समहाउ वो नोट मिस्टर चेरियन के हाथ लग जाता है और वो बिल्कुल हार्ट ब्रेक हो जाता है उनका, लीडिंग हिम टू चेंज हिज वेज एंड एक्नॉलेज रायन एंड हिज फ्रेंड फॉर देयर प्रोजेक्ट। तो उनको भी लगता है कि बच्चों को इतना फोर्स करना ओनली फॉर अ पर्टिकुलर स्टडी जो कि थोड़ी मोनोटोनस है इज नॉट गुड, और वो रायन के प्रोजेक्ट को भी हाँ कर देते हैं और उनके फ्रेंड्स के साथ भी सिंपथाइज करते हैं। अब आता है प्लेसमेंट्स का टाइम। ड्यूरिंग प्लेसमेंट्स आलोक सिक्योर्स अ हाई पेइंग जॉब इन दिल्ली, हरी इन मुंबई, लेकिन रायन को एक लो पेइंग असिस्टेंट जॉब मिलती है एट हिज कॉलेज डिस्पाइट हिज इनोवेटिव प्रोजेक्ट, बट ही इज हैप्पी विद दैट। हरीज गर्लफ्रेंड नेहा बिकम्स अ सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर, ऑल्दो हरीज अनहैप्पी विद हिज जॉब एंड द लैक ऑफ टाइम टू सी नेहा, रायन डिस्पाइट हिज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन रिमेन्स अंडरवैल्यूड इन द एजुकेशनल सिस्टम दैट प्रायोरिटाइजेस रोट लर्निंग ओवर ओरिजिनल थिंकिंग। तो शायद हमारा सिस्टम ही ऐसा है, दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर आप क्रिएटिव और प्रैक्टिकल रहते हैं दैट मीन्स कि यू आर अंडरवैल्यूड, और अगर आप रोट लर्निंग करके एग्जाम्स में अच्छा स्कोर पाते हैं देन यू कैन गो फॉर गुड प्लेसमेंट्स। सो बेसिकली द स्टोरी क्रिटिक्स द इंडियन एजुकेशन सिस्टम्स प्रेफरेंस फॉर क्रेमिंग रट्टा लगाना ओवर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। एंड नाउ टू क्वेश्चंस फॉर यू जिसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में देंगे। इन विच इंडियन कॉलेज इज द नोवेल सेट नन ऑफ दीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंसेस। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोक लेफ्ट हरी एंड रायन आफ्टर हिज पुअर परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स एज ही ब्लेम्ड देम फॉर हिज रिजल्ट्स। किसके पास गए थे उसके बाद आलोक हेल्प के लिए? राजेश, अनुराग, सुखविंदर और वेंकट। दिस इज द टेलीग्राम लिंक, जो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको काफी स्टडीज में हेल्प मिल जाएगी यहाँ से। इसको ज्वाइन करिए एंड यू विल रियली फाइंड इट बेनिफिशियल। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर द एग्जाम।